स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी के पराठे। इसके लिए लिए मैंने फ्रेश मेथी, इसे काट लिया है बारीक। 2 से 3 हरी मिर्च, इसे भी बारीक काट लिया है। और साथ में लिया है मैंने 1 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 से 4 चम्मच घी। आइए तैयारी करते हैं मेथी के पराठे बनाने। इसके लिए मैंने 1 बाउल आटा लिया है। आप अपने परिवार के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम कटी हुई मेथी, मिर्च, हींग, नमक, अजवाइन और लाल मिर्च, इन चीजों को मिक्स कर लेंगे। और साथ ही डालेंगे इसमें 2 से 3 चम्मच घी। इन सब चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी डालने से पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को सॉफ्ट डो बना लेंगे। अब देखिए आटा बहुत अच्छे से गूंद चुका है। एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूंदना है। अब इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे आटे को। आइए 5 मिनट बाद देखिए हमारा आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब करते हैं पराठे बनाने की तैयारी। आज मैं आपको इस पराठे से 3 शेप के पराठे बनाकर दिखाऊंगी। एक तो सिंपल गोल, इसको आप जितना पतला हो सके उतना पतला कीजिए, बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। जब तक एक पराठा तवे पे बन रहा, हम अगला पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। ये मैं आपको ट्रायंगल शेप का पराठा बना के दिखाऊंगी। आप देखिए पहले हमने इसके लिए सिंपल जो रोटी बेल लेनी है और इसके बीच में घी लगाते हुए इसको पहले एक फोल्ड, फिर बीच में एक परत में और घी लगाएंगे और फिर एक फोल्ड और करना है। अब देखिए ट्रायंगल शेप बन गया है। अब इसका साइज बड़ा कर लेंगे। अब जो पराठा हमने तवे पे रखा गया इसमें उसको भी पलट कर देख लेंगे और उसमें घी लगाते हैं। स्टेपलर की हेल्प से दबाते हुए सेकेंगे पराठा। ब्राउन स्पॉट्स आने लगे मीन्स कि हमारा पराठा बन चुका है। साइड से पूरा अच्छे से दबाएं। इसमें जो हमने घी डाला था आटा मलते समय, उससे पराठे अच्छे बनते हैं। पराठा हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम प्लेट पर उतार लेंगे। डालते हैं ट्रायंगल शेप का पराठा। अब अगला पराठा बनाने की तैयारी भी करते हैं। इसको हम स्क्वायर शेप में बनाएंगे। पहले इसके लिए भी हमने गोल रोटी बेल ली है। अब इसमें पूरी 17 घी लगाते हुए आमने सामने की परतों को फोल्ड कर लेंगे, फिर इसके ऊपर भी घी लगाएंगे और इनको फिर आमने सामने और फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए स्क्वायर शेप का आ चुका है, इसका भी साइज बड़ा कर लेंगे। और तवे में देखिए ट्रायंगल शेप का भी हमारा पराठा तैयार हो चुका है। और जब भी पराठे बनाते समय घी लगाएं तो बाहर साइड पे ज्यादा लगाएं, इसी साइड में किनारे अच्छे सिकते हैं। स्टेबिला की हेल्प से दबा के पराठे सेके, इससे बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। अब ये स्क्वायर शेप वाले पराठे का भी साइज बेलते हुए बड़ा कर लें इसे।
आप भी इस सर्दियों के सीजन में, वैसे तो हम गोभी के पराठे, आलू के पराठे, मूली के पराठे, हर तरह के पराठे बनाते हैं, भरवा पराठे, लेकिन मेथी के पराठे के स्वाद की बात कुछ अनोखी बात है। और जब पराठे में ज्यादा ऑयल कभी घी हो जाता है तो आप इस तरह से उसको अलग जो दूसरा पराठा डाल के उसके ऊपर से ले ले, इससे पराठे बिल्कुल इसमें देखिए घी नहीं आया। अब ये स्क्वायर शेप का पराठा बन गया। और आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें खेल खेल में खाते हुए शेप की आइडेंटिफिकेशन भी करवा सकते हैं। इस तरह से आप अलग अलग शेप के पराठे बनाइए, बच्चे खाते हुए इंजॉय भी करेंगे। अब देखिए हमारे एक बाउल आटे से मेरे से चार पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और इन पराठों का आनंद उठाइए, दही के साथ, हरी चटनी के साथ या फिर चाय के साथ। थैंक यू।